Hey guys, I am K and you are watching the Hindi Technical YouTube channel. Guys, App of the Day की सीरीज में आपका स्वागत है और आज बात करेंगे फोटो स्कैन बाय गूगल फोटोज़। बेसिकली मैं पहले इसमें एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ, देन हम इसकी वर्किंग जानेंगे। जो एप्लीकेशन है ये आपकी ओल्ड फ़ोटोज़ को स्कैन करती है आपके कैमरे के द्वारा और आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड कराती है कि आपने उनको फ़ोटो क्लिक करते हैं उसकी अपेक्षा। अगर आप कोई फ़ोटो क्लिक करते हैं तो आपको उतने बेहतर रिजल्ट नहीं मिलते हैं आपके फ़ोन से, बट ये आपके फ़ोन से कुछ इस तरीके से फ़ोटो क्लिक करवाती है कि वो एज ए स्कैन के तौर पे रिजल्ट आते हैं। और स्कैन में आपने फ़ोटो के अगर रिजल्ट देखे हैं तो वो काफ़ी अमेजिंग आते हैं। तो अब हम इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोग्राम है और इसकी जो वर्किंग है वो देखते हैं। BSMB की ये छोटी सी एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड कर लीजिए और जस्ट हम इसको ओपन करते हैं। अभी आपको एक ट्यूटोरियल देगा कि आपको किस तरीके से जो आपकी फ़ोटोज़ है वो स्कैन करनी है। वो आप देख सकते हैं कि आपको आपकी जो फ़ोटो है उसके हर एक कोने पर आपको जो कैमरा एक बार लेके जाना है और एज ए रिज़ल्ट में आपको जो फ़ोटो मिलती है वो काफ़ी अमेजिंग मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको फ़ोटोज़ मिलती है आपको जो ग्लेयर होती है यानी जो चमक होती है वो उसको रिमूव कर दिया जाता है और जो आपकी फ़ोटोज़ है वो चार फ़ोटो से मिलकर जो रिज़ल्ट आता है वो आता है। तो आपकी जो फ़ोटोज़ होती है वो काफ़ी अमेजिंग निकल के आती है। तो अब हम यहाँ पर एक जो फ़ोटो है उसका जो डेमो है वो करके देख लेते हैं। तो आपको जो मेरी फ़ोटो है उस पर हंसना नहीं है, तो ये मेरी फ़ोटोज़ आ गई है और हम इसके चारों कोनों पर कर लेते हैं। तो अब हमारे पास जो यहाँ पर आप देख सकते होंगे ये प्रोसेसिंग हो चुकी है और अब हम इसके जो कॉर्नर हैं वो एडजस्ट कर लेते हैं। और अब आप यहाँ पर जो फ़ोटो है उसका रिज़ल्ट देख सकते हैं कितनी अच्छा जो इसका रिज़ल्ट यहाँ पर निकल कर आया है। अगर आप इसको कैमरे से क्लिक करते हैं तो उतना बेहतर रिज़ल्ट आपको नहीं निकल के आता है। मैं यहाँ पर रिजोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर क्वालिटी की, यानी जो आपके फ़ोटो पर चमक आती है उसकी। और जो फ़ोटो पे काफ़ी बार धुंधलापन आता है या फिर काफ़ी फ़ोटो में आपको ज़्यादा रोशनी आती है या फिर कम रोशनी आती है, तो ये उन चीज़ों को एडजस्ट करके आपकी फ़ोटो के आउटपुट निकाल के देती है। तो इस तरीके से ये आपको काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट प्रोवाइड कराती है और आपके चार बार फ़ोटो खींचने के बाद ये आपको एक बेहतर रिज़ल्ट प्रोवाइड कराती है। तो इस तरीके से ये एप्लीकेशन वर्क करती है। आई होप आप लोगों को ये एप्लीकेशन पसंद आएगी और आपके लिए ये एप्लीकेशन कभी ना कभी ज़रूर यूजफुल रहेगी। तो डाउनलोड लिंक हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, देखने के धन्यवाद और बने रहिए दी हिंदी टेक्निकल के साथ। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।